हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हल्की लाइन आने के कितने दिन बाद हमको टेस्ट रिपीट करना चाहिए, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। लास्ट तक जरूर जुड़े रहे इस वीडियो में, जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिल सके। तो देखिए, अगर आपके किट में हल्की लाइन आ रही है, पहली लाइन डार्क और दूसरी लाइन आपको हल्की दिख रही है इस तरीके से, तो आपको 3 से 4 दिन के बाद फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना चाहिए। और प्रेगनेंसी टेस्ट आपको मॉर्निंग टाइम पे ही करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम पे भी आपको फर्स्ट यूरिन से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि जो है आपका रिजल्ट एकदम सही आ सके। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन आने का एक ये कारण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी तो है लेकिन काफी कम दिन की है, जिस वजह से आपका किट में हल्की लाइन आ रही है। तो आप 3-4 दिन बाद करेंगे तो उस टाइम तक आपके एसटीजी हार्मोन का लेवल बढ़ चुका होगा, जिससे कि आपको रिजल्ट एकदम सही दिखाएगा और दूसरी लाइन भी आपको, दोनों रेड लाइन आपको दिखाई देंगी, जिससे कि आप समझ जाएंगे आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा भी एक ब्लड टेस्ट होता है, बीटा एससीजी ब्लड टेस्ट करके ब्लड टेस्ट होता है, जो आप करा सकती हैं। एससीजी ब्लड टेस्ट आप कराएंगी तो आप समझ जाएंगी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्रोग्रेसिव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी सही से आगे बढ़ रही है तो आपका जो लेवल है वो ऊपर जाएगा एससीजी लेवल, तो जिससे कि आप अच्छे से समझ सकती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे किस तरीके से आपको घर पे करना है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वो आप वॉच कर सकते हैं। कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।